साल 2018 क्या कहता है इस पर डालते हैं चलिए एक नजर, क्योंकि किसी के लिए यह साल खुशियों की सौगात लाया है तो किसी के लिए दुखों का पहाड़, किसी के लिए यह साल अच्छा बना तो किसी ने पुरानों से ही काम चला डाला। साल 2018 में बहुतों को अचंभित भी किया है तो बहुतों को निराश। बात चाहे हो फिल्मी जगत की हो या राजनीतिक जगत की या फिर हो खेलकूद जगत की, सब पर डालते हैं एक नज़र, क्योंकि यह साल 2018 की शुरुआत से लेकर 18 की खत्म होने तक क्या क्या सौगात भारत की जनता को मिली है इस पर डालते हैं एक नज़र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जिसने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया, क्योंकि इसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे पछाड़ दिया, जिसकी लंबाई 182 मीटर लंबी है और यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। अब हम बात करते हैं सबसे महंगी शादियों की, क्योंकि इस साल शादियाँ तो बहुत हुई लेकिन सबसे महंगी शादी किसकी हुई इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो इस साल सबसे महंगी शादियों में शुमार है ईशा अंबानी की शादी, जिनकी शादी अनंत परिमल के साथ हुई थी और 724 करोड़ रुपए, जो कि सबसे महंगी शादियों के लिए सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। हालांकि इस साल शादियां भी बहुत हुई थी और शादियों में सेलिब्रिटियों की शादी सबसे ज़्यादा लोगों को सुर्खियों में रही। तो इस साल हम पेश करते हैं सबसे अच्छी और जो सेलिब्रिटियों की शादी हुई है उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले शादी हुई इस साल में सोनम कपूर और आनंद आहूजा के साथ। दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन शादी के बंधन में दोनों ही जल्दी बन गए। अब बात करते हैं हम सबसे कपल्स क्यूट में, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक कहा कि सिर्फ हम एक दोस्त हैं लेकिन शादी के बंधन में वह बंध गए। अब बात करते हैं हम प्रियंका चोपड़ा की, जो कि देसी गर्ल के नाम से फेमस है, जिन्होंने सबका दिल तो चुराया, साथ ही साथ विदेश में रहने वाले निक जोन्स का भी दिल चुराया। और इसी साल शादी हुई थी नेहा धूपिया की भी और अंगद वेदी की। वहीं कॉमेडी के सबसे महान कवि बोले जाएं तो कपिल शर्मा ने अपनी दोस्त गिन्नी के साथ शादी की। और खेलों जगत में बात करी जाए शादी की तो साइना नेहवाल ने पारुली कश्यप के साथ शादी की। तो वहीं दीपिका जो शूटर थी उन्होंने भी शादी के बंधन में बंध गई। तो इस साल काफ़ी शादियाँ हुई। अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की, क्योंकि इस साल राजनीतिक गलियारों में काफ़ी घमासान मचा। कहीं भाजपा जीती तो कहीं कांग्रेस, तो कहीं दोनों का झटका रहा, वहीं दोनों की जगह पे आप पार्टी का भी झटका रहा। तो इस तरह कुछ साल 2018 बीता और आने वाले 2019 में क्या क्या नया होगा या दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी रहेंगी 2019 के लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि ये 2019 ही देश को एक नया पीएम देने वाला है। खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे एक्स्ट्रा न्यूज के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।